चका चप चपा चप चका चका। चलो मुझे लग नहीं रहा था कि कुत्ते को हम मार लेंगे, मुझे था कि कुत्ता पैजेगा, लेकिन इस ग्रुप के कुत्ते जो हैं वो बहुत ही टेढ़े किस्म के हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यासिर खान गाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दी लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रीमास्टर्ड प्लेस्टेशन 5 एडिशन के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपका भाई फिर से हाजिर हो चुका है। चैप्टर नंबर चल रहा है 10 सांता बारबरा, जिसका सब चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है दी रिजॉर्ट। तो चलिए जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि दी रिजॉर्ट में हमें पिकनिक करने का मौका मिलता है या धांसू किस्म का एक्शन देखने को मिलता है। तो स्कून मॉल और मिठे चौल खाते खाते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। जाते जाते एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। ट्रैक टू रिजॉर्ट टॉल अराउंड बिल्डिंग में हमने जाना है। ओ तेरी ओ खैर, पिते का ऑपरेशन कराया जे भाजी, असी ते बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन एबी को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। ओके, टेल द अदर्स टू सर्च द एरिया, मेक श्योर ही इज द ओनली वन दैट गॉट आउट, वॉच आउट फॉर इन्फेक्टेड। या आई फाइंड आउट एनीवन हेल्प्ड हिम, दे आर गोइंग इन द फकिंग वॉकिंग पोल। पोल क्या है वो अभी पता चलेगा हमें। दिस इज द थर्ड दिस मंथ, यू रेडी टू पुट मोर पीपल ऑन द गेट? पीपल ऑन द गेट नीड टू डू देयर फकिंग जॉब्स, गो लुक अराउंड, आई वांट टू नो हु इज। ओके, इनका वो जो बिल्डर सा बंदा था, हेडशॉट मारेंगे, वाओ। इनका वो जो बिल्डर सा बंदा था वो हमने फटका दिया है, गोतली बांदरी नहीं जड़ी वो बिल्डर था लास्ट चैप्टर में। अब इनके पूरे ग्रुप की ऐसी की तैसी फेर रही है हमने। द रिजॉर्ट बेसिकली इनकी पूरे नए ग्रुप की पनाह गाह है। चाल भाई चाल, ठीक है, इस पूरे नए ग्रुप की जो भी जैसे वोल्फ है, जैसे सारा फाइट्स वाले थे, इन सब की एक प्रॉपर पनाह गाह है। तो इसको हमने फटका देना है, इनका जो बेस कैंप है बेसिकली उसको अब हमने सर्च करना है। यहाँ से एबी ढूंढ रही है और एबी के बाद हमने फाइनली देखना है कि दोनों के दरमियान क्या होता है। यहाँ से लूट मिलेगी, मिल गई। ओके, कुत्ता मुझे इंतहाई बुरा लगता है हमेशा से ही, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम इस खोती के बच्चे को और कुत्ते को मारेंगे, फिर वो गंजे को मारेंगे, ठीक है जी। चलो चलो चले चलो चले चलो चले। बाकी भाई साहब एक या दो चैप्टर रह गए हैं इसके गिनती के। इसका जो सबसे मेन चैप्टर था, जिसमें सबसे ज्यादा फाइट एंडिंग एंड मेन चैप्टर जो 10 चैप्टर है सांता बारबरा, उसका जो सबसे मेन सब चैप्टर है वो है ये वाला, ये वाला। Where are you, girl? Wow. ठीक है जी, अब आई थिंक सो गंजा ही रह गया और कोई रह नहीं गया। ओ उत्थे जड़ा खड़ा सी दरवाजे के आगे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी हाँ वो खड़ा। यहां से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इन गन्स की इतनी रेंज होती नहीं है। यस, या तो निशाना मिस हो गया या गन की रेंज नहीं थी और हेडशॉट सही नहीं लगी, हमारी एम ठीक नहीं था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, इसके पास जाके इस खोती के बच्चे को मारते हैं। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे किसी किस्म का हमें कोई जोम्बी टोम्बी नहीं मिलेगा, कोई खाला नसरीन नहीं मिलेगी, कोई शंभाले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो, वाओ क्या बात है, हेडशॉट लगाने का मजा आया। बिग ग्रुप, ठीक है, अब हम जरा जितना जितना डेड बॉडीज पड़ी हुई है जहां जहां पे, वहां से जरा एक चक्कर लगा के आए, ताकि हमारा एमओ जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बेहतर सम्राट कलेक्शन हमारे पास एमओ की फिल हो जाए, सारी गन्स के जो भी कुछ है एक्स वाई जी, जो भी हम इसको कहेंगे, बुलेट्स वगैरह हम इकट्ठी जितनी हो सकती कर रहे हैं, क्योंकि बिग ग्रुप उसने जो कहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे हमें और बहुत सारे खोती के बच्चे मिलने वाले हैं, यही दो चार नहीं थे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है,
तो देखते हैं इसको कि एक पार्ट में करना है या दूसरे पार्ट में इसको करेंगे, दो पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि लंबे चैप्टर को आपको पता है हमने इस पूरी गेम में दो पार्ट्स में ही कवर किया, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए मेरी बुद्धि देखते देखते इतने लंबे चैप्टर में। कैंची वाला डंडा हमारे पास पहले है जिसके आगे ब्लेड लगाए हुए हैं, तो इसलिए इसको स्वैप करने का फायदा कोई नहीं है। ओए जितना को गंद मचा हुआ है ना यहाँ पे, लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें एक आधा शंबाला मिल ही जाना। बाकी भाई साहब गेम एंड होने को है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरा मैसेज करके बताना है टोरी सा एक कि नेक्स्ट गेम हम कौन सी खेले इसके बाद। वैसे मेरा दिल कर रहा है, जितना मजा मुझे इतनी गेम है, लंबी गेम्स को ना छेड़ता नहीं हूँ, उसको खत्म करने में बड़े दिन लग जाते हैं फिर, तो साथ साथ लूट भी करते रहना। तो अगली गेम वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ, इस गेम को खेलने के बाद तो मेरा दिल कर रहा है कि रेड डेड रिडेम्पशन खेलें, उसका जो मजा आना है ना उस गेम के बारे में तो क्या ही बात है। रॉक स्टार वालों की वो गेम है जिनकी GTA 5 थी, तो आपको पता ही है ये रॉकस्टार जरा वो तो भाई पर पूरा रॉकस्टार है ना, वो गेम का मजा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके भी जो मेन चैप्टर है ना, सिर्फ मेन चैप्टर्स, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा, पूरी पूरी हेल्थ किट मिल गई है हमें, मैं अभी सब साइड क्वेस्ट साइड मिशंस की बात नहीं कर रहा। उसके मेन चैप्टर ही आई थिंक सो 89 है, 79 है या 80 के करीब है, ठीक है। तो वो बड़ी लंबी गेम हो जानी है, पर मजा तो आएगा ना उस गेम का, लंबी हो या छोटी हो। इस गेम की एंडिंग के बाद हम एक चैप्टर ये भी बनाएंगे एक वीडियो के, अगर आप गेम जब ये एंड कर लेंगे तो फिर आपकी कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो अनलॉक होंगी, स्टोरी मोड में आप दोबारा कर सकेंगे कि नहीं। क्योंकि मुझे एक तो सबसे पहले इसका एंड का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, मुझे इसका एंड देखना है कि एंड जो है वो क्या होता है, स्पेशली इन बिटवीन एबी एंड एली। आई थिंक सो हमने सारे का सारा एरिया लिया है घूम, किसी किस्म की कोई मजीद लूट पड़ी नहीं हुई इधर, तो अब थोड़ा सा बाहर निकला जाए, क्योंकि ये जो सामने वाले हैं एरियाज ये हमने एक्सप्लोर नहीं किए, यहाँ पे तो हम आ चुके हुए हैं ऑलरेडी। तो ये सारा बिल्डिंग्स हमने सारी घूम फिर ली है, अब ये सामने वाला जो एरिया है, ओए ये क्या हो रहा है, ये घूम करके जो आवाज आती है ना उसका मतलब ये होता है कि आप को कोई देख रहा है, यहां पे तो कोई बंदा नहीं नजर आ रहा, यही नहीं है मेन गेट, यहां पे भी कोई बंदा नहीं है। ओके वो सामने है बंदा, ठीक हो गया ठीक हो गया, वो सामने मुझे राइट साइड पे नजर आया। लेकिन हम सारा इधर से नीचे से यू टर्न लेके ना पूरा, मैं आपको दिखाता हूं एक सेकेंड, वो बंदा गुजरा था वहां से जहां तक मुझे लगा है, लेकिन अभी नहीं नजर आ रहा, इसीलिए हम एहतियातन जो है वो यू टर्न लेके यहां से जाएंगे। अच्छा मुझे दूर से ये लग रहा था कि ये वाला जो गेट है ना, ये वाला यहां पे बंदे खड़े होंगे, इनको हम इसको हमने तोड़ टूट के इसके अंदर जाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं है। लेट्स गो विद द फ्लो, अभी तक कोई बंदा उसके हमारे वो जो व्हाइट कलर का रडार होता है उसमें नहीं आ रहा, वो देखें इसका मतलब है मैं सही था भाई मैं सही था। ये सामने खड़ा हुआ है और हेलमेट पहन के खड़ा खोती का बच्चा, ये चेक करें। यहां पे मुझे इनकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है,
ओ देखे ना, वो भी एक नजर आ गया है। बिग ग्रुप है, बिग ग्रुप। वाओ, बंदा तो हमने मार दिया है, लेकिन ऐलाने जंग हम कर बैठे हैं। ये शेवरले की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन मोनोग्राम उन्होंने थोड़ा उससे मिलता जुलता चेंज किया कि शेवरले लास्ट ऑफ अस 2 वालों पे, नॉटी डॉग वालों पे केस ही ना कर दें। हैं नॉटी डॉग की गेम है ना, जिन्होंने अनचार्टेड बनाई है। आ जा बेटा। वाओ मजे। ओके वन छक्का एंड टू छक्का एंड छक्का छक्का चप चपा चप छक्का छक्का। चलो, मुझे लग नहीं रहा था कि कुत्ते को हम मार लेंगे, मुझे था कि कुत्ता पैजेगा, लेकिन इस ग्रुप के कुत्ते जो हैं वो बहुत ही ढेले किस्म के हैं, इसलिए हमने मार लिया। वाओ वाओ वाओ, 3 गोलियों से भाई मरे हैं वो। ओए वो फिर भी नहीं मरा। चलो भाई, अंदर चलने का टाइम आ गया है। आ जा आ जा आ जा बेटा, आ जा। नई वड्डी बंदूक जैकी चैन काट ली मैं। उठ उठ, तेरी ऐसी तैसी। ओ एमओ मिल गया, एमओ मिल गया, बाबा सारा एमओ मिल गया। वाह ओ मजे। आ जा आ जा आ जा बेटा, आ जा आ जा, तेरी ऐसी दी तैसी। आ जा। वाह 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 वाह, शॉटगन के मजे। ओए मारूंगा भाई। मम्मी मम्मी मम्मी, एमओ मुक गया मम्मी। आ जा फिर, आया फिर। ये तेरे गिटे मफलूज करके मैं तेरी ऐसी तैसी फेरनी है। आई अच्छा चल, तू सालिया हमें तूने किया वो क्या उसको कहते हैं इंजर्ड, ये चीज ये है ना राड। अब हो, फाइनली यहाँ के 4-5 बंदे जो भी थे एनिमी वो हमने मार लिए हैं। अब टाइम टू रिसर्च द एरिया एंड अपग्रेड बंदूकें शंदूकें एंड माली वेपन। चलो, यही गन सबसे बेस्ट लग रही है मुझे। ओए यार जाया हो गया। अब यकीनन हम एज यूजुअल, जैसे कि आपके भाई की प्रैक्टिस है, सारी लाशा ने मुंह सूंघांगे जाके, जिस जिस के पास जो जो कोई एमओ शेमो पड़ा हुआ वो हम उसके उठा लेंगे। यहां से तो हमने ले लिया था जाते ही। ये डब्बा डुब्बा तो नहीं रेड़ना कितने। लो जी भाई साहब, पूरे के पूरी एरिए में भाई आपका दी डॉन है इस टाइम, ऐसी की तैसी किसी की। फाइनली फाइनली ये फ्रिजे रह गई हैं, इनको तोड़ के जो निकलता है वो निकाल लें और चले आगे। आल 3 के साथ हमें मिलेगा हिंट। इतनी जल्दी आज हिंट दे दिया इन्होंने, वजह हमने नहीं लेना हिंट, हमने पहले लूट इकट्ठी करनी है। चलो ओके ओ मिला है भाई हिंट यहाँ का। इस ट्रेन के अंदर से हमने होके जाना है। पहले मैं यहाँ से होके गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया था रास्ता। इसका मतलब यह है कि इस गेट को साइड पे करना था। मैं बारों बारी होके चला, मैं बुआ खड़काया, मैं कहा भाई कार कोई है, कोई ज़ोंबी, कुछ संभाला, कुछ खाला नसीन, कह रहे कोई नहीं कार। मैं वापस चला गया, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं। क्या ही बात है, एंट्रेंस हमने अबूर कर ली है और हम वी आर फाइनली गोइंग टू मेन बिल्डिंग, जहाँ पे हमने जाके अन्नी डाल देनी है, सारे खोती के बच्चे मार देने ने। और उसके बाद ये देखें आपके भाई का तुक्का बिल्कुल सही बैठता, चेक करें बंदा ही बंदा है। इस बिल्डिंग में हमने घुसना है, वो राउंड बिल्डिंग भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। और मजे ही आ जाने यहाँ पे फाइट के।
एसएलई में तुम कह रहा ना, ये सबसे मेन चैप्टर है, वो चैप्टर टॉल राउंड बिल्डिंग, इसके अंदर वो गुत वाली बांदरी ने हमें बताया था वो बिल्डर ने के भाई साहब यहाँ पे ओके यहाँ पे हमें मिलेगा एबी। ठीक हो गया, चलो जी तो इस चैप्टर का पार्ट वन हम यहीं पे खत्म करते हैं और मेन एक्शन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मी आसिफ इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पार्ट टू इसका बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लव यू, हो गया, थैंक यू सो मच।